हेलो गाइस, वेलकम बैक टू फैक्चुअल इन्फो। होप सो एवरीवन इज़ फाइन। तो ये वीडियो है, एक छोटी सी वीडियो है, ये सिर्फ आप लोग को अवेयर करने के लिए कि जिसने भी अभी तक ऑब्जेक्शंस नहीं लगाए हैं तो प्लीज़ उसको बहुत जल्दी लगा लीजिए, क्योंकि जो आपकी लास्ट डेट है वो है 14 जुलाई, और वो भी 5 बजे तक। और इतना लंबा वेट क्यों करना, अगर हमें लगानी है तो फिर थोड़ा जल्दी ही लगा लें। दूसरी चीज़ की अगर मान लीजिए किसी को प्रूफ्स नहीं मिले हैं या मिल भी गए हैं तो उन्होंने अपनी जो PDF है ये प्रॉपरली नहीं बनाई है, और वो थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं कि हम कहाँ से प्रूफ्स को ढूंढें, मर्ज आउट करें, क्वेश्चन के साथ सही से उनको फ्रेम करें, तो उसके लिए ये है कि ऑलरेडी आपको कुछ करने की नीड नहीं है। बस जो टेलीग्राम चैनल है उसको जो है कमेंट सेक्शन में मैं पिन कर दूँगी, या फिर डिस्क्रिप्शन, दोनों में होगा। आप उससे ना चैनल पर जाइएगा, चैनल ज्वाइन करके, और उसके बाद आपको हर एक चीज़ का अलग से ना वहाँ पर PDF डला हुआ मिलेगा। मैं एक शो कर देती हूँ आपको कैसे है। इस तरीके से आप जब चैनल ज्वाइन कर लेंगे आपको यहाँ पे सारे PDFs डले हुए मिल जाएंगे, जितने भी ऑब्जेक्शंस लगाने हैं मैंने सब डाल रखे हैं अलग अलग मेंशन करते हुए। और नहीं तो यहाँ से फाइल में जाके फाइल सेक्शन में देखेंगे तो सभी की आपको इंडिविजुअली PDF डली हुई मिलेगी। बस यहाँ से डाउनलोड करो, और अगर किसी ने नहीं लगाया है ऑब्जेक्शन तो वो डायरेक्टली ऑब्जेक्शन लगा सकता है। पहले स्टार्टिंग में हमें थोड़ा दिक्कत हुआ करती थी क्योंकि हमें एक ही बार में सारे ऑब्जेक्शन लगाने हुआ करते थे, लेकिन अब आप जो हैं इंडिविजुअली आपको लगाने हैं सभी, और एक बार भी सबमिट नहीं हो रहा। मान लो किसी ने अभी तक 3 लगाए हैं और उसको लग रहा है कि मेरे 2 और रह गए हैं, या फिर मुझे 1-2 और ऐसा मिल रहा है कि मुझे इस पर लगाना चाहिए, तो आप अभी भी लगा सकते हैं। उसको दोबारा लॉगिन कीजिए, और अगर उस चीज़ से रिलेटेड इधर उधर घूमने की भी ज़रूरत नहीं है, सीधे चैनल को ज्वाइन करके अगर वो क्वेश्चन हमने कर रखा है तो सीधे PDF उठा के उसका ऑब्जेक्शन लगा दो, या फिर अपने किसी दोस्त का गलत हो तो उसको शेयर करके उससे भी लगवा लो, क्योंकि ये यहाँ पे एक एक नंबर की बहुत बड़ी लड़ाई है। बिल्कुल कट ऑफ एक नंबर से आपको सबको पता है कि कैसे क्या हो जाता है, तो अगर लग रहा है कि गलत है तो लगाओ, ऐसा कुछ नहीं है कि फोर्स है। काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो ये कमेंट करेंगे कि सभी क्वेश्चन पर जो है आप लगा लीजिए। पहली बात, सभी क्वेश्चन की नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन काफ़ी सारे ऐसे देखने को मिल रहे हैं जिसके एक से ना ज़्यादा आंसर हैं, मतलब दो के बीच में 50-50 कन्फ्यूज़न हो जा रहा है, जिसमें ऑप्शंस दोनों ही सही हैं। उस वजह से अब क्या है कि किसी का गलत हो रखा है वो, तो जिसका गलत होता है ना उसको ही दर्द होता है, और उसको ही होता है कि काश इसमें मैं लगा पाऊँ, इसमें कुछ चेंजेस देखने को मिल जाए और मुझे बोनस मिल जाए। जिसका सही होता है वो उसको फिर अपोजिट ही बोल रहा होता है कि सभी में लगा लो करके। भाई ज़रूरी नहीं है सभी का सही हो, तो ये सिर्फ उसके लिए है जिसको अभी तक कुछ भी नहीं मिला है उस चीज़ से रिलेटेड प्रूफ, और उसका थोड़ा इच्छा है कि मैं लगाऊं और मैं कहाँ से उसका जो कलेक्शन है कर पाऊँगा, तो उस PDF बनी बनाई है। अगर आप उस कैटेगरी में आ रहे हैं, मतलब आपका क्वेश्चन उस कैटेगरी में आ रहा है कि आपको लगाना है, तो आप ग्रुप में जुड़ के उसको देख सकते हैं और डायरेक्टली उसको लगा सकते हैं। सिर्फ इसलिए इस पर कोई नेगेटिविटी दिखाने की प्लीज़ कोई नीड नहीं है, अगर कमेंट में आपको दिखाना भी हो तो। और मुझे कोई शौक नहीं चढ़ रहा है यहाँ पे 12 से 15 क्वेश्चन पे लगाने का, अभी भी शायद ये 8 के आसपास ही हैं क्वेश्चन जिसपे कुछ मिला है, जिसमें से मुझे पर्सनली 3 से 4 क्वेश्चन लगे हैं, ऐसे ऐसे 3 से 4 जिसमें चेंजेस होने चाहिए जो सही में गलत हैं। बाकी जो आप 4 से 5 देखेंगे वो ऐसे हैं कि जिसमें हमें लग रहा है कि 50-50 वाली कंडीशन है, और तो सिर्फ उसमें वही लोग लगाएं जिसके गलत हुए हैं। भाई आपको अपना तो बेनिफिट देखना है ना, तो आप अपने बेनिफिट के तौर पे उसको लगाइए, बाकी दूसरे को कहने दीजिए क्या फ़र्क पड़ता है। बाकी आप इसमें से देख सकते हैं, मैं सभी को एक एक आपको दिखा देती हूँ क्वेश्चन, और डायरेक्टली मेरे को सिर्फ इतना बताना था कि आप उसमें जाके जुड़ के अपने क्वेश्चन देख सकते हैं। मैंने जो है सबके नाम के साथ डाल रखा है कि कौन से नाम, मतलब कौन सा क्वेश्चन है, तो वो PDF आपको डायरेक्टली मिल जाएगी, ठीक है। तो ये है आपका प्रीएम ट्रेल वाला क्वेश्चन है ये, तो इसका सब कुछ है ये रेडी, और इसमें सारे प्रूफ्स वगैरह सब कुछ लगे हैं, सब मतलब आपको मेहनत करने की नीड नहीं है, बस आपको डायरेक्टली ये है कि लगाना है, ठीक है। ये आपका हो गया कौन सा क्वेश्चन है, ये ट्रेल वाला। एक URL वाले में काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न था, मुझे इसमें नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने रेडी कर दिया था ये, तो आप देख सकते हैं जिसको लग रहा है तो वो लगा सकता है इसके ऑलरेडी हमने प्रूफ्स, क्योंकि सब में प्रूफ्स चाहिए, प्लस अच्छे से भी तो चाहिए होते हैं कि आपको पेज नंबर वगैरह सब मेंशन हो और क्लियरली सब चीज़ें दिख रही हो। तो ये URL वाला है आपका, एक है रीजनिंग वाला, तो ये है रीजनिंग वाला, सबको मैं जूम करने की ज़रूरत नहीं है, जिसको जो लगेगा वो अपने आप जुड़ के देख लेगा। एक पटवारी वाला है ये, तो ट्रेल वाला, एक ये जो ये लैंड वाला था, ये उपराव, और वो काफ़ी लोगों को ये ठीक भी लग रहा होगा,
कुछ हद तक ये ठीक भी है और कुछ हद तक ये गलत भी है। बस ये जो इन्होंने उपराओं को बिल्कुल ही बैरन लैंड बोल दिया ना, उस हिसाब से गलत है। एक आध बुक ऐसी है जिसको बैरन लैंड दिखा भी रही है, लेकिन मोस्ट ऑफ द बुक के जो सोर्सेज है ना, वो उसको बेटर देन इजरान ही बताते हैं। जैसे आपकी ये है उत्तराखंड का फौजदारी बुक, ये आपकी राजेंद्र सिंह बलोदी की वाली बुक, अजय सिंह रावत की बुक। अब इससे ज़्यादा सोर्सेज क्या ही होंगे। ये एक और बुक है राजेंद्र सिंह बलोदी की, उसमें भी मेंशन है। तो जितने सोर्सेज मिल सकते थे उस सब कुछ अवेलेबल हैं। एक आपका प्रीएम्बल वाला क्वेश्चन है, ये इसका भी आपको मिल जाएगा। इसका ये अलग है, एक और ये है दूसरा इसका कंप्लीट वाला। तो इसमें 3 से 4 बुक के सोर्सेज लगे हैं। आप प्रीएम्बल वाला भी लगाना चाहें तो उसको भी लगा सकते हैं। और है एक सैलानी लैंग्वेज वाला, तो काफ़ी लोग बोलेंगे कि ये टीरी की है, पर इसमें है थोड़ा बहुत कंफ्यूजन तो है। तो उस हिसाब से इसमें जितने प्रूफ्स हो सकते थे, मैप्स वगैरह थ्रू, आपकी ये राजेंद्र बलोदी की बुक उसके हिसाब से, और एक आपका लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के हिसाब से, मतलब काफ़ी ढूंढ ढांड के सारी चीज़ें बनी हैं। अगर ठीक लगता है, जिसका गलत है सिर्फ उसके लिए, ऐसा नहीं है कि दूसरे जो हैं सभी को लगाना है। जिसका गलत हो रखा है भाई, अपने बचाव में अगर करना चाहते हो तो कर सकते हो। हर पॉसिबल तरीके से ये बने हुए फ्रेम है। डायरेक्टली बस टेलीग्राम पे जुड़िए, एक ही हो गया। और इसके अलावा कोई और बचा था? एक हिंदी व्यंजन वाला है, ये शायद काफ़ी लोग इसमें, ये एक वत्सरी व्यंजन वाला, ये काफ़ी लोग इसमें एग्री करेंगे। पर ल्यूसेंट में भी ये कहीं पे मेंशन नहीं है क्लियरली, और हरदेव भारी की बुक में भी नहीं है। ये जो नौ होता है अनुनासिक होता है, तो फिर पता नहीं कैसे कमीशन ने किया है। बाकी सभी लोग समझदार हैं, सबको पता है। बाकी जितने मुझे सोर्सेज मिले PhD वगैरह की बुक से, तो उस हिसाब से मैंने इसको देख लिया था और मैंने लगा दिया। अगर किसी को इसमें भी लगाना है तो वो लगा सकता है। ये देखेंगे आप, उड़ीसा की बुक है, ये उड़ीसा की NCERT की बुक है, तो उसमें भी दिखा रखा है कि लारा और साही आपके वत्स्य व्यंजन है, और दंत व्यंजन है ये नासी के व्यंजन नौ। ये वत्स्य व्यंजन में नहीं आता है, जो हमारा नौ दे रखा है कम्प्लीटली, ये वाला नौ आता है। बाकी आयोग की इच्छा, इसमें भी मैंने 3 सोर्सेज लगाए हैं। काफ़ी लोग मांग रहे थे कि ये वत्स्य वाला गलत है, तो उस हिसाब से ये रेडी है। एक ही FCI वाला भी था, तो इसमें सारे ही ऑप्शन करेक्ट हैं अकॉर्डिंग टू आपकी 9th क्लास की NCERT, तो उसके सोर्सेज के साथ रेडी है। मतलब ये सिर्फ एक बेसिक वीडियो इसलिए है कि ताकि सभी लोगों को जिस में प्रश्न में दिक्कत है और वो नहीं लगा पाया है कि उसको सोर्सेज नहीं मिल रहे हैं, तो उसको अवेयर करने के लिए कि आपको मेहनत करने की नीड नहीं है, ऑलरेडी हमने कर ली है इसमें। तो अगर आपको ठीक लगते हैं सोर्सेज के साथ, तो आप डायरेक्टली जुड़ के और इसको डाउनलोड करके लगा दो। अपना ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की नीड नहीं है कि हमें ढूंढना पड़ेगा, ऑलरेडी सही बनाए हैं जितने पॉसिबल हो सकता था। एक बाय कैमरलिज्म वाला भी है ये क्वेश्चन, 1851 वाला, इसको थोड़ा सा भी सही करना है। इसमें कुछ और चीज़ मर्ज करनी है, तो इसका भी बन जाएगा, मिल जाएगा आपको वो टेलीग्राम में। बाकी आई थिंक 8 से 9 क्वेश्चन हो चुके हैं। ये रियलिटी में मुझे खुद लगता है कि आयोग जो है 2 से 3 या फिर 4 जो होंगे वही प्रश्नों को वो वैलिड मानेगा, बाकी जो है हम एक ट्रायल के तौर पे, क्योंकि उसने गलत किया है, उसने ऑप्शंस में कन्फ्यूज़न किया है। 1 से 2 क्वेश्चन जो आंसर वाले क्वेश्चन है काफ़ी सारे दिए हैं। अब भले वो ना करे, उस चीज़ को माने नहीं, लेकिन उसकी जो गलती है उसका आप उसकी मिस्टेक का उसको रियलाइजेशन तो करा ही दीजिए कि हाँ आपने ये गलत दिया है। बाकी मानना ना मानना वो उसकी मर्जी है, और ये सिर्फ वही करेंगे मुझे पता है जिसकी रियलिटी में नंबर कम हो रहे होंगे किसी क्वेश्चन की वजह से। अब जिसके नहीं हो रहे होंगे वो तो ज़बरदस्ती करेगा नहीं, ठीक है। तो आप सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसमें नीचे कमेंट में ये नहीं कहिएगा कि बहुत ज़्यादा आप लोगों ने रेडी कर दिए हैं, या फिर सारे ही प्रश्नों पे लगा लीजिए। ये आपके लिए नहीं है, और ना ही आपको कहा गया है कि 10 के 10 पे लगाओ। हर कोई 4 से 5 या फिर 6 से 7 ही लगा पा रहा है, वो अपनी अपनी श्रद्धा के ऊपर है, क्योंकि उसका वहाँ पे गलत हुआ है। तो अगर उसका गलत हुआ है तो आप डाउनलोड करो, आप लगाओ, और सबको अपना अपना राइट है। जहाँ आपको मिस्टेक लग रही है लगाइए, चाहे अगर 15 भी लगाने पड़े तो लगाइए। लोअर में नहीं लगाए थे क्या, 12 नहीं लगाए थे? जब कभी के लिए फाइट तो करना ही है। अब ठीक है, जो रिस्पांस में वो माने, मानने के लिए वो 4 मान ले, मानने के लिए वो 5 मान ले, ज़्यादा तो मुझे भी लगता नहीं है कि मानेगा, पर स्टिल अपनी कोशिश के तौर पर किया है। आई थिंक सारे क्वेश्चन ही कवर हो गए हैं, पटवारी और प्रीएम्बल और आपका लैंड वाला और URL, सैलानी लैंग्वेज, हिंदी, FCI, बाइकैमरलिज्म, यस ऑलमोस्ट कवर। तो होप सो कि आप सब लोग जो रह गए हैं वो भी लगाएंगे, और जिसने एक बार लगा भी लिया है ना,
मान लीजिए उसने 5 पे लगा दिया और अभी इस वीडियो को देखने के बाद उसको ध्यान आया कि यार 2 और लगा सकते हैं, तो अभी भी जाके लगा सकते हो, इसमें बैरियर नहीं है। और इसमें आराम से इस बार कुछ ऐसा भी नहीं है कि एक ही फिक्स हो गया है कि एक बार लगाया और दोबारा नहीं लगा सकते। दोबारा खोलो, दोबारा उन क्वेश्चनों को देखो और डायरेक्टली लगा दो, 2 मिनट का काम है। प्लीज़ अपनी कोशिश ज़रूर करना और पीछे नहीं हटना लगाने से। तो बस यही अवेयरिंग था, और प्लीज़ नेगेटिव कमेंट नहीं होने चाहिए, थोड़े समझदार आप लोग भी बनिए, इतने बच्चे नहीं हैं, प्रिपरेशन करने वाले बच्चे हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब।